नमस्कार, मैं गीता आर अनेजा वेकअप इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज बताना चाहूँगी कि आपको कौन कौन से रंग अच्छे हैं, आपके ऊपर कौन कौन से नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनको कौन से रंग सूट करते हैं। तो मैं अपनी प्रिडिक्शन के साथ साथ ये भी बताऊँगी कि ये वाला रंग आपको कितना अच्छा, आपकी लाइफ में कितने अच्छे आपको रिजल्ट देगा। पहला आता है मूलांक नंबर एक। अब एक मूलांक के जो लोग होते हैं वो लोग को गोल्डन रंग बहुत पसंद होता है। आप देखेंगे कि वो किसी तरह से घूम फिर के वापस इस गोल्डन कलर पे आ जाते हैं या रेड कलर पे आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य का रंग होता है। सूर्य के जितने विबज्योर, जितने भी सात रंग होते हैं सूर्य के सारे इन लोगों को अपने आप ही पसंद होते हैं। एक नंबर के लोगों को लाल रंग में आप हमेशा देखेंगे, आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि जिसने प्रॉपर एक लाल रंग पहना है इसने जरूर एक नंबर की कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, उनको सूट भी बहुत करता है। तो एक नंबर जो है वो उनको लाल रंग ज़्यादा पहनना चाहिए, बिकॉज ये पावर का नंबर है। और सूर्य का नंबर जो जिसके पास भी होता है वो थोड़े पावरफुल तो होते ही होते हैं। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन होते हैं, इन सबका हमेशा एक नंबर कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। और ये हमेशा आप देखोगे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में या अपने कपड़ों में लाल रंग को हमेशा डिपिक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत स्ट्रांग नंबर है, रेड या गोल्डन। आज के दिन एक नंबर वालों ने जितना अपनी लाइफ में सफलता पाई है, अपने गुरु, अपने भगवान को जरूर मंदिर जाएं, जरूर उन्हें दर्शन दें और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। अब हमारा आता है दो मूलांक। दो मूलांक के जो लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वो लोग चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर पाते। उनके मन में आता है कि थोड़े शातिर बने या थोड़ा सा किसी के साथ कुछ गलत करें, पर एक गिल्ट उनके अंदर बहुत आ जाता है कि हमसे ये नहीं होगा, वो कर ही नहीं पाते। उनका कलर भी अगर आप देखो तो वाइट या ब्लू पानी का रंग होता है, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। भावनाओं में जरूर बह जाएंगे लेकिन वो पानी की तरह उस चीज़ से बाहर भी आना पसंद करते हैं। वो लोग किसी का बुरा नहीं कर सकते, सबका भला करते हैं। सबके तरह पानी डाल दो इस प्रॉब्लम के ऊपर, वो बिल्कुल वैसे होते हैं, पानी की तरह बाहर ही निकाल देते हैं सबको। इन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है अगर ये अपने मंदिर में जाए, शिव जी के सामने जाके प्रार्थना करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और जाके वहाँ पे अपने गुरु, यहाँ दो नंबर के गुरु होते हैं उनके पंडित जी हो गए या मंदिर में शिव जी हो गए, शिव जी के आगे जाके प्रार्थना करें, उनको नमस्कार करें, परिवार को नमस्कार करें, शिव परिवार को नमस्कार करें। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीन नंबर मूलांक के जो लोग होते हैं ये तो वैसे गुरु नंबर है, तो ये तीन नंबर के जो लोग होते हैं इनको ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन इनको मंत्रा बोलने चाहिए। आज के दिन इनके लिए बहुत शुभ होता है कि अगर ये सुबह उठते ही ये लोग कुछ ना कुछ मंत्रा बोले, कुछ ना कुछ इस तरह का पाठ बोले जो सारा दिन इनके लिए बहुत शुभ रहे। उसमें गायत्री मंत्र भी हो सकता है, उसमें ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, कोई मंत्र जो उनके दिल से निकलता है उनको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना चाहिए। इनका जो रंग है ये होता है पीला। आपने देखा होगा कि पीले रंग के वस्त्र ये ज़्यादा पहनते हैं। पीला रंग होता है ग्रोथ का रंग, एजुकेशन का रंग, जो मतलब आगे बढ़ाए, अपॉर्चुनिटीज़ का कलर माना जाता है, हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, वो वाला रंग ये गुरुओं का होता है। ये दिमाग के बहुत धनी होते हैं, इनको पता होता है, ये लोगों के बारे में बहुत जल्दी जज भी कर लेते हैं कि ये किस तरह का है। एजुकेशन में तो ये कमाल के होते हैं, जितने हमारे टीचर्स होते हैं, जितने हमें काउंसलिंग वाले लोग होते हैं, ये सब मेनली कहीं ना कहीं तीन नंबर पे आ ही जाते हैं। तो तीन नंबर वालों के लिए आज का देना है ये अपने ही इष्ट को पूजें, अपने इष्ट के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाए, मंदिर में चढ़ावा दें, मंदिर में जो लोग हैं पंडित लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ दें, हो सके तो केले दान करें, इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमारा आता है मूलांक चार। चार नंबर के जो लोग होते हैं इनका जो रंग होता है ये सूर्य के हिसाब से बना होता है। वैसे इनको हम ग्रे कलर या ब्राउन कलर में लेके आते हैं, पर अगर ये सूर्य के कलर्स के साथ अगर आए, जैसे कि रेड हो गया, विबजी और सारे जितने भी हमारे रंग होते हैं जो हमारे सूर्य से निकलते हैं उन रंगों में आए, पेस्टल कलर्स में आए, तो इनके लिए अच्छा होता है। वैसे इनका मेन जो कलर है वो चूहे वाला रंग होता है, ग्रे कलर हम उसको बोलते हैं या ब्राउन कलर हम बोल सकते हैं। ये कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है, इनको सूट भी बहुत करता है। ये अपने विजिटिंग कार्ड में अगर ये रंग रखे तो इनको फ़ायदा होगा। अब ये जो लोग हैं ये आज के दिन चार नंबर वाले अपने गुरु की इनको भी पूजा बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि ये थोड़े से शैतान होते हैं। अब शैतान बच्चे को हमेशा स्कूल में डाल दिया जाता है कि चलो वहाँ जाके थोड़े शांत होंगे, इसी तरह से चार नंबर वालों को भी अपने मंदिर ज़रूर जाना चाहिए,
वहाँ जाके अब उनको अपने भगवान या अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और पूजा ये नहीं कि सिर्फ जाके देख के आ जाना, उनको प्रॉपर पूजा करनी चाहिए, फूल अर्पण करने चाहिए, शहद देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भगवान को अर्पण करनी चाहिए जो मिठास वाली होती है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए इनको मंदिर, ज़रूर जाएं, पंडित जी के हाथ में चाहे कुछ भी पकड़ा है पर देना जरूर। अगला हमारा मूलांक आता है नंबर 5। नंबर 5 के जो लोग होते हैं वो बच्चे टाइप ही होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ को बहुत ही कैजुअल लेते हैं कि चलो ठीक है देखी जाएगी। वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, उनको शायद स्ट्रेस लेना ही नहीं आता, वो हर चीज़ को बड़े आराम से करना पसंद करते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी निकालना पसंद करते हैं। उनको खाना अच्छा लगता है, उनको थोड़ी पार्टी वार्टी बहुत अच्छी लगती है, तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही चलते हैं। इनका जो बहुत अच्छा रंग होता है वो होता है ग्रीन, इनको हम बैलेंस का कलर भी बोलते हैं। अब बैलेंस ही अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि देखो ना 1 और 9 के बीच में ये हमेशा सेंटर का नंबर है, तो इनको हम बैलेंस नंबर बोलते हैं। हरा रंग इनका फेवरेट होता है, हरे रंग की चीज़ इनके पास हमेशा होनी चाहिए। आज के दिन इनके हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य करवाओ, हरे रंग की चीज़ कराओ, पालक हो सकती है आप गाय को जाके चारा खिलाओ, पेड़ लगवाओ इनसे, इनको बोलो गार्डन में जाके कुछ ना कुछ तो लगाएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, कुछ कुछ भी लगाएं, घास पे नंगे पांव चले, पर इनको ग्रीन कलर के साथ आज के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कनेक्शन रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 6 नंबर। 6 नंबर के मूलांक के जो लोग होते हैं आज के दिन वो उनकी गुरु उनकी माता ही होती है, तो अपनी माता या पार्वती माँ, दुर्गा माँ, कोई भी, हम उनको माँ ही मानते हैं, तो इनको अपनी माँ को माँ की आज सुबह उठते ही पूजा करनी चाहिए, घर में पाठ लगाना चाहिए। और इनका जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद, वाइट कलर, प्योरिटी का रंग। माँ हमेशा प्योर होती है, माँ का हमेशा एक ऐसा दर्जा माना जाता है कि वो जो है वो प्यार वाली ही होती है, तो इनको हमेशा इनको जो रंग सूट करता है वो है वाइट कलर। तो आज के दिन आपको वाइट कलर की चीज़ अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे कि मिठाई हो गई, कोई भी मिठाई जो सफ़ेद रंग की, या चीनी हो गई, मिठास वाली चीज़ें अगर आप दोगे तो आपके घर में वैसे भी मिठास ही रहेगी। फिर हमारा आता है 7 नंबर मूलांक। 7 नंबर के जो लोग होते हैं उनका जो रंग होता है वो भी ब्राउन होता है या फिर चूहे वाला कलर ही होता है, लेकिन ये ब्राउन कलर में हम इसको ज़्यादा मानते हैं। इनको अपना अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ ब्राउन कलर ज़रूर रखना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ये अपने लाइफ में हमेशा आगे तब बढ़ते हैं, अपनी सोच से बढ़ते हैं, इनके पास दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये होते ही इस तरह के कि हर चीज़ में इनको एक जवाब इनके पास होता है, आप इनसे बहस करो, आप इनको किसी टॉपिक पे ले लो, इनके पास नेवर एंडिंग टॉपिक्स होता है, ये हर चीज़ को हर चीज़ के बारे में जानते हैं और उसके साथ आपके साथ पूरा मुकाबला भी करते हैं। इन लोगों को ज्ञान बांटना ही है, ज्ञान बांटना है तो किसके साथ बांटें? आप जो बच्चे होते हैं, गरीब जो होते हैं लोग या बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको बुला के उनको थोड़ा ज्ञान दें। ज्ञान इन द सेंस आप उनको किताबें भी बांट सकते हैं, आप उनको पेंसिल लेके दे सकते हैं। आज के दिन आपने अपनी एजुकेशन के थ्रू देना है, आप उनको कलर बुक लेके दें, आप उनको बताएं कैसे कलर्स किए जाते हैं, कर कलर किया जाता है, कुछ ना कुछ उनको सिखाने की कोशिश करें, ये आपके लिए आज बहुत फ़ायदेमंद है। अब आता है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर जो होता है, कहते हैं कि 8 नंबर का हमेशा ही हम ब्लैक कलर से एसोसिएट करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि वो ब्लैक कलर 8 नंबर के लाइफ में थोड़ी और ज़्यादा डार्कनेस ला सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे उनको भी थोड़ा सूर्य रंग की तरफ आना चाहिए, यानी कि गोल्डन या फिर ग्रीन, ग्रीन कलर की तरफ उनको आ जाना चाहिए। ग्रीन कलर उनकी लाइफ में बहुत बैलेंस लेके आता है, और ग्रीन कलर आने से उनको अपना ग्रीन कलर अपने विजिटिंग कार्ड में भी रख सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, कुछ इस तरह की ग्रीनरी वो अपने आसपास लेके आए, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई बार हम 8 नंबर लोगों को बोलते हैं कि अपनी जेब में हमेशा ग्रीन कलर का वॉलेट रखो, ग्रीन कलर पैसे का नाम भी माना जाता है और ये लोग पैसे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आज के दिन इनको अपने गुरुओं के लिए जहाँ से इन्होंने सीखा है, क्योंकि ये पैसे वाले लोग होते हैं और इन्होंने पैसे की भाषा ही सीखी होती है, आज के दिन इनको उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको कुछ दान पुण्य करें, किसी भी संस्था में जाएं, जैसे कि ओल्ड एज होम हो गया, एनिमल वेलफेयर हो गया, इन संस्था में खुद जाके अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान दें, तेल दान कर सकते हैं, जितने गरीब लोग हैं जो हैंडीकैप इंस्टीट्यूट्स में हैं या ओल्ड एज होम में हैं, वहाँ जाके थोड़ा टाइम बिताएं उनके साथ, उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं, ये उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि वो वहाँ से ही बहुत कुछ सीखेंगे। अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता है, अपनी लाइफ में रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाना भी ज़रूरी होता है, तो ये संस्थाओं में जाके इनको अपनी लाइफ की रियलिटी भी समझ आएगी कि मुझे अपने लिए नहीं करना, मुझे इन सबके लिए भी करना है, ये दुनिया है, हमें इस तरह से भी चलना चाहिए। अब आता है हमारा 9 नंबर।
नौ नंबर के लिए भी सेम वही चीज़ है कि इनको भी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके, किसी संस्था में जाके कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। नौ नंबर के अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इनका फ़ायदा ही उठाया जाए तो अच्छा है। इनका जो रंग है वो ऑरेंज है, हनुमान जी का रंग, क्योंकि नौ नंबर हनुमान जी का नंबर माना जाता है। यहाँ ऑरेंज कलर इनके पास हमेशा होना चाहिए, हो सके तो आज के दिन ये हनुमान जी की पूजा करें, वही इनके गुरु हैं, वहाँ उनकी पूजा करें, हो सके तो उन्हें अभिषेक भी करें, हो सके तो हनुमान जी का वो टीका जो होता है वो अपने यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो अपने आप को भी हनुमान जी से कनेक्ट करें, उनकी एनर्जीज लें, उनका प्यार लें। आज के दिन इनको चाहिए कि अपने उन लोगों से पास जाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। हो सके तो कुछ ना कुछ बाज़ार से अच्छी कुछ चीज़ होती है खाने की, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जो आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें लाएं और गरीब बच्चों में बांटें, इनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आज के दिन इतना ही, थैंक यू सो मच।